कृष्ण जैसे ही माता रुक्मणी को लेके आने लगे, उसी समय मेरे भाई बहनों शिशुपाल आदि को पता चला, वो भी अपनी सेना लेके आए और रुक्मणी मैया के भाई रुक्माग्रज को पता चला, वो स्वयं अभी युद्ध करने के लिए अपनी सेना लेके चला और प्रतिज्ञा कर ली कि कान्हा को कृष्ण को मारूंगा तो ही इस नगरी में प्रवेश करूंगा, अन्यथा मैं इस नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। युद्ध होने लगा, भगवान समझ गए कि माता रुक्मणी का युद्ध देख के डर न जाए, एक तरफ रथ में उनको खड़ा कर दिया है और इधर बलराम भैया भी पहुंचे हैं तो वह भी युद्ध कर रहे हैं। ठाकुर जी ने रुक्मणी मैया के भाई के मुकुट को गिरा दिया और कहते हैं कि उनको मारने के लिए जैसे ही शस्त्र उठाया, रुक्मणी मैया ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, हे ठाकुर जी ये मेरा भाई है, अपराध किया है, लेकिन मैं एक बहन होकर अपने भाई को अपने आंखों के सामने कैसे मरता हुआ देख सकती हूँ, हे ठाकुर जी इसे क्षमा कर दो। भगवान ने उनकी एक तरफ की मूछ काट दी, दाढ़ी हटा दी, आधी मूछ आधी दाढ़ी निकाल दी और मेरे भाई बहनों बांध दिया एक तरफ, शिशुपाल भी वहां से जाए उससे पहले ठाकुर जी ने माता रुक्मणी को साथ लेके चल दिए, पीछे से बलराम भैया ने युद्ध किया, बलराम भैया भी निकल चले और वह रुक्मणी मैया का भाई वहीं पर एक नगरी बसा करके निवास करने लगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि कृष्ण को मारूंगा तो ही नगरी में प्रवेश करूंगा। अब ठाकुर जी माता रुक्मणी को ले आए अपनी द्वारिका में और द्वारिका में बहुत अच्छा स्वागत भगवान का हुआ, सबने भगवान को अपने गले से लगाया, माता रुक्मणी को सखियों ने सजाया श्रृंगार किया और भगवान माता रुक्मणी के साथ सनातन परंपरा के अनुसार विवाह कर रहे हैं। ठाकुर जी का श्रृंगार किया गया है, माता रुक्मणी को सजाया गया है और आज मेरे कन्हैया विवाह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, लग्न कर रहे हैं, देवता पुष्प की बरसात कर रहे हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और लग्न मंडप में ठाकुर जी बहुत निराला बहुत सुंदर बहुत प्यारा स्वरूप लेकर के वहां पहुंचे हैं। मैया रुक्मणी स्वयं माता लक्ष्मी की ही अवतार हैं, उनके स्वरूप की भी कितनी सुंदर कितनी दिव्य महिमा है मेरे भाई बहनों, स्वयं माता रुक्मणी बड़ी सुंदर है और आज भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी मैया के साथ विवाह हो रहा है, आज कन्हैया दूल्हा बने हैं, आज कान्हा ने श्रृंगार किया और आज बड़ा ही उत्सव है, एक नहीं भगवान आठ आठ विवाह करेंगे, आठ आठ शादियां करेंगे और भी बहुत सारे विवाह करेंगे उसका वर्णन जानेंगे। आज हमारे कन्हैया शादी कर रहे हैं और ठाकुर जी ने शादी की तो 16108 रानियां कर ली, विवाह उनके संग कर लिया और उतने ही स्वरूप बना लिए, तो मेरे भाई बहनों भगवान की नहीं आज तो ठाकुर जी ने सबका ही उद्धार कर दिया है। श्री ठाकुर जी ने माता रुक्मणी और माता रुक्मणी ने ठाकुर जी को वरमाला पहना के और बड़ी ही सुंदर रीति से ठाकुर जी का विवाह हुआ है। कहते हैं कि पहले कन्या माला डालती है फिर वर माला डालते हैं, ठाकुर जी महाराज के गले में माता रुक्मणी ने प्रेम से माला डाली। मेरे शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे गंज, शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे गंज, शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, है, है।
Hey!
चंद्र भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया है। ठाकुर जी के दिव्य मंगल परिणय में बड़ा ही आनंद सबने लिया है। अब भगवान के बाकी विवाहों का वर्णन स्वयं सुखदेव जी महाराज करते हैं। सत्राजीत नाम का जो राजा है